नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब से आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 22 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में CCA ने किसान कल्याण के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी? कुसुम योजना के लिए। इसका सही आंसर है कुसुम योजना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कुसुम योजना के घटक हैं किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना में 3 घटक शामिल हैं। घटक ए में 10,000 मेगावाट का विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल पावर प्लांट होगा। घटक बी में क्या है? 17.5 लाख स्टैंड अलॉन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना। घटक सी में 10 लाख ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सोलराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रानी हूर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने पर कौन से देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए दक्षिण कोरिया, बी अमेरिका, सी जापान। इसका सही आंसर है ए दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर है ए दक्षिण कोरिया है, ए दक्षिण कोरिया के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? रानी हूर अयोध्या की एक प्रसिद्ध राजकुमारी जो 48 ईस्वी में कोरिया गई और राजा किम सूरो से शादी की। उस प्रसिद्ध राजकुमारी सूर्यरत्ना क्वीन हवा हवांग ओके की याद में एक संयुक्त डाक टिकट जारी किया गया है। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ ये टिकट जारी किया है रानी हूर पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण कौन से देश का छोटा भूरा चूहा दुनिया का पहला विलुप्त स्तनपायी जीव बना? ए चीन, बी जापान या सी ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑप्शन नंबर है सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने किस देश के साथ ICT इनक्यूबेटरों के बिजनेस सेंटर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया या सी श्रीलंका। इसका सही आंसर है सी श्रीलंका के साथ। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है और श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे है। मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। इसके प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंह। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश की समाचार एजेंसी ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर का अनावरण किया है? ए चीन, बी अमेरिका या सी जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन ने पहला AI न्यूज एंकर का अनावरण किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने दुनिया की पहली महिला AI न्यूज एंकर सिन जिया ओमेंग का अनावरण किया। इसे खोज इंजन कंपनी सैगो इंक के सहयोग से विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत के किस राज्य में KPBOT नाम के पहले ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया गया है? ए बंगलौर में, बी केरल में या सी असम में। इसका सही आंसर है बी केरल में पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का उद्घाटन किया गया है, जो एक महिला है, रोबोट जो है एक महिला के रूप में काम करेगा। बॉटम पॉइंट क्या है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय में सब इंस्पेक्टर के रूप में KPBOT नाम के भारत के पहले ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया। रोबोट को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिला घोषित किया गया है। केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन है। राज्यपाल कौन है? पालनी स्वामी सत्शिवम। CM कौन है? पालनी स्वामी सत्शिवम। क्वेश्चन नंबर 7, AIBA एलीट फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है अजय सिंह। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? AIBA अध्यक्ष गफूर, AIBA के अध्यक्ष कौन है? गफूर रहीमोव। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में SC ने BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? पूर्व न्यायमूर्ति DK जैन को। ये पूर्व न्यायमूर्ति हैं, न्यायाधीश हैं DK जैन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? ए 1%, बी 0.1% या सी 0.9%। इसका सही आंसर है बी 0.1%।
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण कोरिया में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सियोल शांति पुरस्कार से। इस पुरस्कार की घोषणा पहली बार सियोल पीस प्राइज कल्चर फाउंडेशन द्वारा अक्टूबर 2018 में की गई थी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।